भाई साहब टिहरी डैम के अंदर में इतनी खतरनाक जगह पे हैं। टिहरी का मेन डैम यही है देखो। तो भाई यहाँ रात में मैं ठहरा हुआ था, ये है रूम के बाहर वाला व्यू। ओ बादल आ गए नीचे। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एस डेली ब्लॉग। भाई आज मैं आया हुआ हूँ टिहरी डैम। आपने बहुत सुना होगा, ये जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आपको डैम में बोटिंग वगैरह करने को मिल जाती है, एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे एक डोबरा ब्रिज है जो कि दो गांवों को मिलाता है, डोबरा और चाटी, और ये भी बहुत ही फेमस है, तो वो भी आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो भाई ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर आप पहाड़ों में जाने के शौकीन हैं और आप एक सुकून परस्त इंसान है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। बैम्बू हट और कैंपिंग वगैरह दिखाने वाला हूँ, साथ साथ उसके प्राइसिंग भी बताऊंगा। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भाई बहुत ही बढ़िया है और कपल फ्रेंडली जगह है और यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हनीमून वगैरह के लिए आते हैं, तो और ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ऋषिकेश से टिहरी की तरफ जाते हुए हमें ये वादियाँ देखने को मिली हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये वादियाँ। सामने देखो आप क्या दृश्य है, मज़ा आ गया। अगर आप लोग गुजरते हैं इस रास्ते से तो ज़रूर इस व्यू का आनंद लीजिए, क्योंकि यही तो मज़ा है किसी सफ़र का, क्योंकि रास्ते ही मज़ा देते हैं किसी भी सफ़र को। तो दोस्तों रास्ते में अभी एक जगह हम रुके हैं, यहाँ पे कुछ खेती दिख रही थी, मतलब गढ़वाल में कैसी खेती होती है वो चीज़ देखने को मिलने वाली है। बच गया यार भाई, इससे बच के जाना पड़ेगा, ये कांटा बहुत बुरा होता है पहाड़ों में, अगर टच हो गया तो भाई साहब 3 दिन तक जलने वाला है ये। ये आ गया मैं नीचे और यहाँ पे देख रहे होगे खेती है ये यहाँ की पहाड़ों की, और गोभी लगे हुए हैं यार, गोभी तैयार भी हो गई हैं, कुछ गोभियाँ काट भी ली हैं, कुछ गोभियाँ भी तैयार हैं, कटी नहीं हैं। इस तरफ देखने को मिलेगा, ये देखो, ये देख रहे हो जो घरों में गोभियाँ आती हैं, ये सिर्फ ऊपर के फूल काट लिए जाते हैं मेन वाले, बाकी पत्तियाँ छोड़ दी जाती हैं। तो ये है भाई पहाड़ों की खेती, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये रास्ते में दिखा, मैंने कहा ज़रूर दिखाना बनता है भाई इसे। तो भाई इस पानी में मछली देखने को मिल रही है यार, आजा आजा प्यारी प्यारी मछली। तो भाई यहीं पास की एक दुकान पे मुझे अलग अलग कलर की दाल दिखी, ये यहाँ की कुमाऊनी दाल कहते हैं, मतलब लोकल गढ़वाल की दाल होती है। ये देखो ये रंगीन पत्थर लग रहे हैं, ये दाल है जैसे अपने यहाँ राजमा होती है, ये राजमा है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने कॉटेज में, टिहरी डैम के पास में एक जगह है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ अभी, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू कैसा है जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। बहुत ही गजब की वादियाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये पानी है पूरा का पूरा, ये डैम वाला एरिया है, और सामने मेरे दिख रहा है यहाँ का फेमस ब्रिज, तो इसे भी चलेंगे अभी शाम के टाइम पर देखेंगे। बाकी यहाँ पर फ्लोटिंग हट वगैरह है वो सब भी देखने वाले हैं। तो भाई अभी कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ सामने का, और बाकी ये एरिया है अपना जहाँ पे अभी मैं ठहरा हुआ हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल ही लकड़ियों का बना हुआ है ये। तो लास्ट तक बने रहना, मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो भाई अभी मैं आया हूँ टिहरी डैम के ऊपर जो कि डोबरा चाटी करके एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, दो गांवों को कनेक्ट करता है, डोबरा और चाटी दो गांव हैं। पहले इसका कनेक्शन कुछ भी नहीं था, तो अभी इस ब्रिज के बनने से काफ़ी बढ़िया दो गांवों का कनेक्शन बना है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, इसे देखने के लिए लोग आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें लाइट्स बहुत ही अच्छी जलती हैं। और ये जिस डैम के ऊपर बना हुआ है ये भी बहुत ही फेमस है टिहरी डैम, तो यहाँ पर काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुल मिला के काफ़ी बढ़िया अट्रैक्शन बन चुका है यहाँ पर। तो साथ में आपको डिम सिम पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर आप वेज मोमोज़ और काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हैं, चाय मैगी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, और बैठने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। सस्पेंशन ब्रिज थोड़ी ही दूर पे है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है, अभी चलेंगे उस पर भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अगर आप भी यहाँ आते हैं तो साथ में आपको यहाँ पे बैठ के खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है, तो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। बाकी कल सुबह मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मालदीव्स, जो कि मालदीव्स में आपने देखा होगा फ्लोटिंग हट्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर भी हैं अपने इंडिया के अंदर में, बहुत बेहतरीन लगता है। और ये जो डैम का पानी यहाँ पे जो स्टोर हो रखा है ना, उसके ऊपर जो फ्लोटिंग हट होता है, मतलब गजब का ही एक्सपीरियंस है अगर वहाँ जाते हैं तो। तो भाई अब आ गए हैं डोबरा चाटी अपने सस्पेंशन ब्रिज पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे उत्तर प्रदेश में नैनी ब्रिज है, वो भी सस्पेंशन ब्रिज है, ये भी सस्पेंशन ब्रिज है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये नया बना हुआ है, हमारे यहाँ वो पुराना हो चुका है, मगर ट्रेंड रहा है हमारे इलाहाबाद वाले का भी।
और ये अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पे लोग बहुत कम आते जाते हैं क्योंकि दो गांव को जोड़ रखा है, तो गांव में कितनी गाड़ियां चलती हैं रात में। तो अब आ गए हैं डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज के सेंटर पॉइंट पे, और यहाँ से आप देख रहे होंगे कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई साहब, जबरदस्त एकदम। हर कुछ सेकंड्स पे ये नई लाइट जलती है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। बस ये है कि रात में मैं आपको इधर उधर के व्यू नहीं दिखा सकता, दिन में एक बार फिर आएंगे और आपको ये व्यू दिखाएंगे। तो अभी रात के व्यू का आनंद लो और दिन के व्यू का आनंद अलग देंगे आपको। तो भाई मस्त लग रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और आप लोगों को भी एक बार आना चाहिए भाई यहाँ पे। एक तो टिहरी खुद में ये घूमने वाली बड़ी बेहतरीन जगह बनती जा रही है, और बहुत से लोग शायद नहीं आए होंगे और लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कितना ब्यूटीफुल है ये। ये कैमरे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, रात का टाइम वैसे भी है, बाकी है मज़ेदार भाई। और फिलहाल अभी इस पे हम अकेले टहल रहे हैं, शानदार है। हाँ शानदार, अगर कहा जाए कि आप एडवेंचर चाहते हो ना, तो इतनी भयंकर जगह पे रात को होना मतलब खुद में ही बड़ा एडवेंचर है। क्या है भाई, हमने पूरा पुल बुक कर लिया है। अरे उधर उधर देखना, उधर देखना, कुकुर। अच्छा इंसान है, ठीक है ठीक है, इंसान है, इंसान है भाई, इंसान है। डर लगता है यार, क्योंकि भाई रात में ना शेर और क्या कहते हैं उसे, अरे वो मतलब चीता, चीता नहीं बाघ, अरे जो कुछ भी है मतलब पहाड़ों में ये चीजें निकल जाती हैं, तो वही डर लगता है ऐसे जानवर कभी भी अटैक कर दें। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी टिहरी डैम के एडवेंचर प्लेस पे, और यहाँ पे होती है बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़, जैसे कि स्कीइंग वगैरह होती है, बोटिंग वगैरह होती है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, चल के देखते हैं। और प्राइजिंग वगैरह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ टिहरी डैम पे सबसे बेस्ट प्लेस है अगर एडवेंचर शौकीन है आप, तो आपके लिए मस्त वाली जगह है। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। सूरज भाई हैं अभी हमारे साथ, और ये अब आपको बताने वाले हैं, ये यहीं पे रहते हैं, बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगा इनकी डिटेल वगैरह, ये भी आपको दिखा देंगे। बाकी अभी चलते हैं हम एक्टिविटीज़ के पास और देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं और चार्जेस क्या लगते होंगे यहाँ पे करने के लिए। कितनी गहरी होगी भाई ये जगह? ये एक्चुअली ये 830 फुट गहरा है। 830 फीट गहरा है, ओ भाई। 265 मीटर अप्रॉक्स है। अभी तो पानी ये कम हो रखा है, 6 महीने ये पानी बढ़ता है, 6 महीने पानी घटता है, तो सर ये अभी और नीचे अच्छा, जाएगा। अभी ये और नीचे जाएगा, हाँ जी, उसके हाँ बाद ये बढ़ता होगा। तो ये जितनी दिख रही है ये सर ये होटल दिख रहा है आपको, उसके नीचे नीचे तक पानी रहता है सर। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, मतलब जितना ये व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ये सब ढक जाता है। यस यस सर, जितनी भी आपको लाइनिंग दिख रही होगी ना। और यहाँ पे हाँ, ये बोटिंग्स के बारे में मुझे बता देना, कितने टाइप की बोट्स होती हैं आप? सर यहाँ पे स्पीड बोट है, मोटर बोट है, और आपका जेट स्की हो गई और पैरासेलिंग हो गई सर। अच्छा, बाद बाकी वाटर जो एक्टिविटीज करना चाहते हो तो आप उसमें क्या करते हो, सर्फिंग कर सकते हो, बम्पर कर सकते हो, और आप क्या कहते हैं बनाना राइड कर सकते हैं सर। तो वो अभी देखने को मिल जाएगा ना? हाँ जी सर, देखने को मिल जाएगा सर आपको। ये तो आ जाओ, चलो आगे देखते हैं। और ये देखो मस्त वाले पूरे लेक में भाई साहब ऐसे घुमाते हुए लाते हैं, ये जेट स्की है। अरे बाहर अच्छा, तो कितनी कितनी देर के लिए चलाने के लिए ले सकते हैं सर? इसमें ना तीन कैटेगरी होती है जेट स्की में, तीन कैटेगरी होती है, एक 250 होती है, 500 होती है, 1000 होती है सर। 250 में क्या होता है, 1 मिनट की राइड होती है, हमारा गाइड चलाता है, आप बैठे रहते हैं सर। 5000 में क्या होता है आपको चलाने को मिलता है, 500 में हाफ लीक होता है, 1000 रुपीज में एंड कॉर्नर तक होता है, लास्ट तक। हाँ जी लास्ट तक होता है सर, उसमें आपको चलाने को मिलती है, गाइड आपके साथ रहेगा सेफ्टी पर्पसेस के, मतलब सेफ्टी का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, हाँ जी। और दूसरी ये वाली कैसे फैमिली? ये मोटर बोट है, ये फैमिली पर्पस बोट है सर, जैसे फेरी होती है उस टाइप की बोट है। ये आपका स्लो चलती है, इसमें 8 से 10 लोग जाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। और कौन सी वैरायटी? बाद बाकी स्पीड बोट है। अच्छा, ये काफी फास्ट जाएगी। हाँ जी, ये स्पीड बोट है, इसमें 6 लोग बैठते हैं। हाँ जी, इसमें 2 टाइप की राइड होती है आपकी, इसमें 15 मिनट भी होती है, आधे घंटे भी होती है। 15 मिनट करते हो तो जितना भी एरिया है आप दिखा सकते हैं, जितना भी एरिया इस एरिया में कवर कराता है आपको ना। बाद बाकी अगर आप आधे घंटे की राइड लेते हो, आधे घंटे की राइड में 15 से 16 किलोमीटर की राइड होती है, जिसमें यहाँ पे जो देखने लायक स्पॉट्स है वो दिखा के लेकर आएगा, जैसे फ्लोटिंग हट्स हो गया, 20 से 22 हट्स बने हुए फ्लोट, ये फ्लोटिंग हट तक जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा वो? 15 से 16 किलोमीटर की ऑल टोटल राइड रहती है। अच्छा जी, हाँ जी, मतलब अप एंड डाउन मिला। हाँ जी, अप एंड डाउन मिला के बढ़िया। बाद बाकी हम जैसे रोक के फोटोज वोटोज भी क्लिक करवा देते हैं क्लाइंट्स की, जैसे बोलते हैं कि वो यहाँ रोक। बढ़िया। अच्छा, प्री वेडिंग है, वेडिंग वगैरह के लिए भी लोग आते हैं? हाँ जी, प्री वेडिंग तो उसके लिए कैसा पैकेज वगैरह होता होगा सर? उसमें क्या होता है कि मिनिमम रेट जो डिसाइड कर रखे हैं यहाँ पे वो 16,000 है सर। आप रनिंग में आते हो, रनिंग में आते हो तो उसमें 16,000 आपका मिनिमम रेट है, जिस बोट का नंबर होता है वो बोट जाती है। बढ़िया। बाद बाकी अगर आप जैसे आप बुकिंग करके आते हो तो उसमें थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है वो चीज आपके लिए। ऑनलाइन वगैरह भी यहाँ की बुकिंग कर? ये नहीं, ऑनलाइन नहीं होता एक्चुअली। अच्छा। जैसे किसी पर्सन का नंबर हो आपके पास, या फिर जैसे भाई अगर मेरा नंबर दे देते तो आप मुझे कॉल करके अपनी बुकिंग यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है ठीक है भाई, ठीक।
तो भाई अभी बोट से हम चलने वाले हैं, आपको यहाँ के मेन अट्रैक्शंस जो है वो सारे कवर करके दिखाने वाला हूँ इसमें। और ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे एक्टिविटी जोन है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने दिखाई दी आपको। तो चलते हैं अभी जल्दी से अपना बोट पकड़ते हैं और बोट से आपको लेके चलता हूँ भाई, यहाँ की जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो दिखाता हूँ आपको और फुल डिटेल में आपको बताऊँगा। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में देख लेना क्या कुछ कैसा होता है, प्राइजेस वगैरह स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। तो मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला, फर्स्ट टाइम इतनी लंबी मतलब जेट स्की कह लो जो भी है चलने वाले हैं उस पर। अरे फुल मजा आने वाला, भी आया नहीं है, आने वाला है। तो भाई स्टार्ट हो गई अपनी मोटर, तो दोस्तों अपने उत्तराखंड टिहरी डैम पे ये बना हुआ है, फ्लोटिंग हट है और ये मालदीव्स में आपने देखा होगा अगर जो गए हुए हैं, नहीं तो वीडियोस में तो हम सभी ने देखा हुआ है। तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है, फिलहाल अभी हम इस पे जा नहीं रहे हैं बट आपको मैं यहाँ दिखाने के लिए लाया हूँ, अपने बोट से हम आए हुए हैं और साथ साथ आपको वो ब्रिज भी दिखाएंगे जो कि यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन हो जाता है। तो अभी फिलहाल आपको ये फ्लोटिंग हट दिखा रहे हैं, देख लो कैसा दिख रहा है, बहता हुआ ये घर है और यहाँ पर आप रह सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो लगभग 20 कॉटेजेस यहाँ पे बने हुए हैं, आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो भाई यहाँ पे इनका रिजॉर्ट भी है और यहाँ पे आप रिसेप्शन एरिया देख रहे होंगे ऊपर की साइड में, तो वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं और इन सेम कंपनी की मतलब जो भी ब्रांड होगा उसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी ऊपर देखने को आपको मिल जाती है। डोबरा चाटी ब्रिज जो कि नाइट व्यू हमने ले ही रखा है वो आपको इसके बाद लगा देंगे, फिलहाल अभी डोबरा चाटी ब्रिज की तरफ चलते हैं और ये आपको दिखाता हूँ। नाइट में ना बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है क्योंकि यहाँ की लाइटिंग्स बहुत अच्छी हैं, हर कुछ सेकंड पे ये लाइटिंग चेंज होती है, बहुत बढ़िया लगता है और ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। सो वी आर गोइंग टू डोबरा चाटी ब्रिज। क्या पंडित जी कितना पानी है यहाँ पे लग रहा है? बहुत पानी यहाँ पे, बहुत दूर तक पानी नहीं, रिजर्वायर है, अगर एक साथ खोल दे तो दिल्ली यूपी सब डूब जाएगा। अच्छा जी, हाँ सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी भी यहाँ बिजली बनती है ना? नहीं, नहीं, नहीं। तो ये 2006 में बनके तैयार हुआ था। अच्छा ये डैम? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। और यहाँ पे पानी स्टोर करते 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 गए, यहाँ पे पहले करीब करीब 200 से 250 गांव थे और अच्छा। एक शहर था पुरानी टिहरी, तो जो शहर वाले जो न्यू टिहरी शिफ्ट हो गए थे, पुरानी टिहरी शहर था वो रिलोकेट किया न्यू टिहरी, और जो गांव वगैरह के थे उन्हें जमीनें मिल गई थी ऋषिकेश हरिद्वार। अच्छा अच्छा, यानी बाहर बाहर लोगों को शिफ्ट कर दिया यहाँ से और फिर ये डैम बना दिया। ये डैम बना, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा किया, यहाँ पे भागीरथी रिवर का पानी स्टोर होता है जो कि गंगोत्री से आता है, ये करीब करीब 850 फीट डीप है और 42 किलोमीटर के एरिया में फैल रखा है। बढ़िया। ये हाइड्रो पावर प्लांट है, यहाँ पे 2400 मेगावाट की बिजली जनरेट होती है। तो कहाँ तक यहाँ की बिजली सप्लाई होती है, कुछ आइडिया पंडित जी? पूरे इंडिया में होती है, पूरे इंडिया में यहाँ से, नॉर्थ इंडिया। अच्छा पूरे नॉर्थ इंडिया, मतलब दिल्ली बिल्ली तो सप्लाई जाती है यहाँ से। हाँ, अरे बढ़िया। तो भाई अभी टिहरी डैम के अंदर ही हम नहाने वाले हैं, वैसे तो बहुत गहरी है बट ये हमने ले रखा है, इसे आजमाने वाले हैं, बच गए तो वापस आएंगे, व्लॉग आएगा यानी व्लॉग अगर आया है तो इसका मतलब बचे हुए हैं। बहुत खतरनाक करने वाले हैं, मतलब फुल मजे, इससे ज़्यादा एडवेंचर क्या ले लोगे? असल में बताऊँ मेरी फट रही है पहली बार, मैं जानता हूँ बचा लेगी लेकिन फट रही है। अरे बचेंगे बचेंगे ना पंडित जी, पंडित जी जाओ, पंडित जी से ज्यादा हिम्मत कहाँ किसके पास होगी? जहाँ तक देखो पानी पानी है, ये देखो स्पीड बोट आ रही है,
चलो तो ठंडा भी है साला साला यो 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 जमीन टच होना नहीं है इसमें वो हो पंडित जी रॉक कर दो एक बार जम मार जाओ रस्सी पकड़ के जम मार जाओ अब बोलो हिम्मत आई रस्सी पकड़ने में गप्प से अंदर जाओगे एक बार देखना पता चला बोट टोटले के सबको नीचे जाओ तुम ककता ही नहीं आवाज को देखिए अबे नीचे जमीन ही नहीं दिख रही इसमें जमीन कहाँ से दिखेगी पता नहीं कितना गहरा है वो कह रहे थे भाई एक दिन लगेगा आपको नीचे अगर जाने में जमीन देखने जाओगे तो सुबह शाम हो जाएगी वाह 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 कर दिया पंडित जी तैर रहे हो आराम से इजी सुपर इजी सुपर इजी डूबने का कोई दिक्कत नहीं ये तुमने इसको पकड़ा था ना तो कुछ भी मत पकड़ो सीधा कुछ जो घाप पसे फ्री फॉल है ना एकदम फ्री ना एकदम नॉर्मल है छोड़ दो रस्सी छोड़ दो रस्सी छोड़ दो ना भाई एकदम अरे रस्सी छोड़ दो नहीं छोड़ूंगा रस्सी छोड़ दे ये देख आप एकदम आजाद हो गया हूँ मैं भी हेलो गाइस तो ये मैं हूँ जो एकदम आजाद हूँ और ये मैं हूँ जिसे डर लग रहा है अभी भी और ये अतुल है जिसकी अभी भी बट रही है अरे कुछ नहीं एकदम स्टडी खड़े हो जाओ बस अरे मन में डर है भाई मुझे पता आग बंद करके स्टडी एकदम टांग नीचे करो टांग नीचे करो ले जाऊं टांग एकदम नीचे करके खड़े हो जाओ हाँ एक तो साला पिराना मछली वाली वो मूवी देख टांग नीचे कर दो और रस्सी छोड़ो अब हाँ एकदम छोड़ दो फील आ जाएगा अपने आप ही ये भगवान आ गया ना फील अभी नहीं आ पाया आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा रस्सी छोड़ो रस्सी नहीं छोड़ूंगा पूरा छोड़ दिया बॉडी रेडी स्टेडी गो ठीक है अब ठीक है टांग नीचे एकदम कर दिया ना टांग नीचे भाई हाँ रस्सी छोड़ सकते हो लग रहा है छोड़ सकता हूँ छोड़ हाँ, एकदम नॉर्मल है एकदम नॉर्मल कुछ भी नहीं मगर जो डर है वो नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा एक अंदर का डर है भाई पानी का टंगों को हिलाऊंगा तब दिक्कत हुआ नहीं लाऊंगा क्यों हिलाऊंगा भाई साहब टिहरी डैम के अंदर में हाँ, इतनी खतरनाक जगह पे हैं तगड़ा सा तुम्हारे लिए लिया तुमने क्या लाओगे मेरे लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ तुमको ये लेकिन यार हम गलत जगह कूद गए हैं तुम भाई तो हमें आगे जाना चाहिए लेक का पूरा व्यू नहीं आएगा ना यहाँ से अरे है तो लेक ही ना पता है ना अभी जहाँ से बोटिंग करके आए बस वहीं है उसी पानी में है भाई हम लोग खतरनाक कांड करते हैं डुबकी नहीं मार सकते बस इसमें दिक्कत ये है डुबकी ले सकते हो नहीं ले सकते हो सर डुबाओ ना डुबाओ देखता हूँ नहीं जाएगी ऐसे जाएगी ओ ओ, 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 ओ न जाए भाई न जाए नहीं जाएगा ये अच्छी बात है ना अब गाइस आप सोच सकते हो कि मतलब हम लोग कितने हरामी हैं हरामी से नहीं है एडवेंचरस एडवेंचरस ठीक है हम हैं एडवेंचरस एडवेंचरस हैं कितने एडवेंचरस हम हैं मतलब पानी पुनी नदी नदी समुंदर को वैसे वैसे गाइस आपको हम शेयर करना चाहेंगे हमने कल ही प्लान किया था कि मेरा पैर ऊपर आ रहा है हम रस्सी बांध के कूदेंगे बट अतुल भाई ने बोला कि ये अनइथिकल है हमारे व्यूअर्स हैं उनको खतरे में नहीं डालना कभी बिल्कुल बिल्कुल हमें देख के वो हमें फॉलो करके भाई कहीं भी कूदो सेफ्टी के साथ अभी हमने ये जो लाइफ जैकेट पहन रखा है लाइफ जैकेट पहन रखी प्लस यहाँ पे इतने लोग हैं सबके बीच में सबसे परमिशन लेके तब हम कूदे हुए हैं और ये 48 घंटे तक आपको डूबने नहीं देता बड़ी बात तो ये है हाँ तो और हम 48 मिनट भी इसमें नहीं रहने वाले हैं उससे बड़ी बात ये है कि हम 48 मिनट भी इसमें नहीं रहने वाले हैं दिख रहा कहाँ तक दिख रहा है हाँ पूरा दिख रहा है ब्रो ओ ओ पानी बहुत साफ है इसका पानी बहुत साफ है चड्डी नहीं पहनी चड्डी पहनी यार दिख नहीं रहा ना इसमें तो क्या चड्डी दिखाओगे सेक्सी दिख रहे हो भाई तुम ये देखो भाई हमारे सामने जहाज जा रही है मतलब बोट जा रही है अब ये चलाएगा पंखा ये तो ऊपर है क्या पंखा इसके रस्सी पार कर रहे थे बहुत चलाक हैं देखो कैसे पता है उनको कहाँ से रस्सी मुंह भी है ये छोटा सुसु चुचु कर रही चुचु 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 अच्छा अगर आसमान से गिरेंगे तो ऐसा ही फील आएगा ना बस तरता तरता हवा लग रही होगी हाँ इसमें हवा नहीं लग रही हवा कहीं से मंगवाओ अतुल भाई का ये बंद ही नहीं है भाई अतुल भाई का ये बंद ही नहीं है अब बंद कर रहे हैं देख लो बंद भी नहीं हो रहा अब कैसे करूं अब ये ओ भाई ये ऐसे कैसे कर रहे हो यार तुम अतुल पंडित जी ऐसे लापरवाही नहीं करते यार कैसे बंद होगा बाकी नीचे के बंद है ना रेट की भी बंद होना चाहिए करूं नहीं बंद हो पाएगा ना करूं रहने दो मैं कर दूंगा
हो गया शाबाश, बंद हो गया जान बच गई। तो अतुल भाई ने पुछल्ला पकड़ लिया मेरा, ये देखो, और हम अपनी नाव चला के जा रहे हैं। पर हाँ थोड़ी नाव, ये देखो मैं भी चला रहा हूँ। तुम भी चला रहे हो? तो भाई ये वाली येलो वाली बनाना राइड है, इसमें बिठा के लेके जाते हैं और बीच में पलट देते हैं, तो इसका भी अलग मजा है भाई। अब ठंड लग रही है। ये है जेट स्कीइंग और मस्त स्पीड में चलती है, और 500 रुपये में आधा लगभग घुमाते हैं और 1000 रुपये में पूरा लास्ट तक लेके जाते हैं। ओ भाई बहुत तेज लेके गया है। सुपर स्पीड सुपर स्पीड बहुत तेज आ रही है। बाय 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 बूम, एकदम जबरदस्त, एकदम बहुत तेज। अरे तेरी की, ये फुल एडवेंचर वाली, वाह मजा मजा। चलो चली जा, चलो चलो, कुछ भी नहीं हो रहा है, मजा आ गया। और फिर तो बाद में बुढ़ापे में और कब जाएगी बता, अधूरी हो गई है। अरे तू जा तो सही, बहुत मजा आएगा। ये ना यार जा ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, बाकी बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की, और ये एक्टिविटी वाला एरिया है, एक्टिविटी जोन, और यहाँ तक मतलब आप गाड़ी लेके अपनी आ सकते हैं अगर अपनी गाड़ी से आप आते हैं तो। और बाकी ये देख रहे हो, ये थोड़े उजड़े पहाड़ हैं क्योंकि यहाँ तक पानी भर जाता है, इस वजह से ये ऐसा है। और बाकी वादियाँ देख रहे हो, और सामने अभी चलते हैं, वहाँ पर मेन डैम है जहाँ पर बिजली बनती है, तो चल के वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला पॉइंट है भाई, तो भाई ये सामने जो दिख रहा है ये टिहरी का असली डैम है जहाँ पे बिजली बनती होगी। तो भाई डैम पे आ गए हैं, टिहरी का मेन डैम यही है। देखो इस पे सड़क भी है इस पार से उस पार जाने के लिए, बाकी यहाँ से देख रहे होंगे यहाँ से पानी आता होगा, और वो सामने जो बना हुआ है ये एरिया, यहीं पे मशीनरी वगैरह लगी हैं जिससे पानी इस तरफ पार हो के और यहाँ जो टर्बाइन वगैरह हुआ चलता होगा और फिर वो पानी निकल जाता है उस तरफ। तो कुल मिला के यहाँ से बिजली पैदा होती है जो दिल्ली में भी सप्लाई होती है, पूरे भारत में लगभग काफ़ी दूर दूर तक अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई यहाँ से बिजली की होती है। और ये जगह है देखो, वाटर स्टोरेज कर रखा है इस तरफ, और इस तरफ निकाल के बिजली बना लेते हैं, ऊपर से गिराते हैं, टर्बाइन घूमती है और बिजली बनती है, यही प्रोसेस है। तो मस्त जगह है भाई, मज़ा आ गया देख के, और देखो सुंदर जगह है भाई ये। तो भाई यहाँ रात में मैं ठहरा हुआ था, अभी चलते हैं बाहर की तरफ। ये है रूम के बाहर वाला व्यू, धूप निकल चुकी है, लगभग 8 बज गए। ओ बादल आ गए नीचे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। एक वो पॉइंट है वहाँ पे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं, और एक पॉइंट वो बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये है कॉटेजेस जहाँ हम रात में रुके हुए थे, और वो वहाँ पे लगा हुआ है डाइनिंग टेबल, और इधर से ही लेक व्यू दिखता है। तो भाई ये लेक साइड व्यू कॉटेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो भाई ये भी सिटिंग एरिया है, खाना पीना खाने के लिए है, और पहाड़ों में तो हम हैं ही, और देखो वो सड़क पर बस जा रही है। एक तो ये रोड इतनी दूरी पे है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, और यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा और आगे एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है बच्चों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक छोटी सी दो नाव भी रखी हैं, बच्चे बोटिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बच्चों के लिए भी काफ़ी इंटरटेनमेंट हो जाता है यहाँ पर। और आगे देख रहे होंगे टेंट वगैरह लगे हैं, तो मतलब काफ़ी बड़ा है ये जगह, और यहाँ पर भी इस तरफ भी है एक कॉटेज, तो कई सारे हैं, बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल नेचुरल है। तो ये भाई नेचर के बहुत ही करीब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और सारी जगह देखे बोन फायर वगैरह है, जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं तो यहाँ पे बोन फायर कर सकते हैं। तो भाई मैं अभी बैठा हुआ हूँ यहाँ के एक मचान में, और यहाँ पे मतलब सिटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे सोफा वगैरह लगे हैं, तो आप भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। पीछे मेरे लेक साइड व्यू दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है। तो भाई इस जगह का नाम है लेक व्यू कैंप एंड कॉटेजेस, और यहाँ पे 1400 रुपए से स्टार्टिंग है, मतलब अगर एक आदमी आके रहना चाहता है तो 1400 रुपए में रह सकता है, जिसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है, और यहाँ पे आपको ट्रैकिंग वगैरह ये करवा देते हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ आपको एक फुल पैकेज मिल जाता है 1400 रुपए में। तो अभी मैं चलता हूँ आपको यहाँ के रूम या टेंट वगैरह है वो आपको दिखाता हूँ, कॉटेजेस कैसे हैं। तो भाई अब आपको दिखाने वाला हूँ, ये है ट्री हाउस, देख रहे हो जमीन से कितनी ऊपर इसे बनाया गया है, तो चलता हूँ जल्दी से इसके अंदर। तो भाई अब आ चुके हैं ट्री हाउस के अंदर में, और यहाँ पे आप देख रहे हो बेड लगा हुआ है, डबल बेड है,
तो ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ से जो आपको व्यू देखने को मिलने वाले हैं भाई, बहुत ही गजब। ये छोटा सा बालकनी एरिया है अपना, यहाँ से आप व्यू के मजे ले सकते हैं भाई। ये वाला प्लेस मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, मतलब ये रूम बहुत ही बेहतर। ये है आउटडोर सिटिंग एरिया, यहाँ पे बैठ के आप इंजॉय करेंगे। काफ़ी सारी चेयर्स लगी हुई हैं, ट्री हाउस के ऊपर हैं हम इस समय। और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल नेचर प्लेसेस हैं, मतलब नेचर के पास आप रहेंगे बहुत ही करीब। और सामने जो लेक साइड व्यू है, इसमें आप नाव वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, मतलब बोटिंग इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूर पे आपको दिख रहा होगा फ्लोटिंग हट है, उस वो मतलब यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है। तो अब मैं ट्री हाउस के अंदर मैं आपको अटैच बाथरूम वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे टीवी वगैरह लगी हुई है, मतलब एक ट्री हाउस के अंदर में आपको टीवी भी मिल रही है और खाने पीने के लिए तो है ही यहाँ पे, ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह मिल जाता है। और ये अटैच बाथरूम है और गीज़र वगैरह लगा हुआ होता है इसमें, लगा हुआ है नहीं लगा, अच्छा इसमें सीधा गर्म पानी की लाइन है, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो अब लेके चलता हूँ आपको उस वाले मचान पे, और वो भी एक सिटिंग एरिया है और काफ़ी बढ़िया है। तो ये एरिया है भाई, तो भाई यहाँ आप बैठे बैठे घंटों बिता देंगे, आपको पता नहीं चलने वाला है। और ये यहाँ पे जो लेक व्यू दिख रहा है ना, ये सबसे किनारे हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से मस्त नज़ारे दिखते हैं। और यहाँ आप बैठ के खा पी सकते हैं, मतलब फुल इंजॉय कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। तो भाई अब एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बैम्बू हट। तो बैम्बू हट यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं लोग और उसमें ठहरना। और अपने नॉर्थ ईस्ट में तो आपने देखा होगा बैम्बू हट बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे भी आपको देखने को सेम ही मिलने वाला है। और पहाड़ों में बैम्बू हट में रहना मतलब एक तरीके से सपना होता है बहुत से लोगों का, और कपल सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो और ये वैसे भी हनीमून प्लेस बन रहा है धीरे धीरे करके। और अभी जब नीचे आपको दिखाएंगे ना, जगह जगह पर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो भाई कपल के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो फिलहाल अभी आपको अपना बैम्बू हट वाला रूम दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें भी बेड लगा हुआ है, डबल बेड है और अटैच बाथरूम तो होता ही है सब में। और यहाँ पे भी नीचे कारपेट वगैरह लगी हुई, तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई, मस्त एकदम। और पूरा ये बैम्बू से बना हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी है, काफ़ी बढ़िया। तो भाई जैसा कि दिख ही रहा है यहाँ पे नेचर ही नेचर है चारों तरफ। तो अभी चलता हूँ मैं, आपको एक झूला भी लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे नेचर में ही। सबसे छोटा बच्चा जा रहा है झूलने ने? ये अच्छा है। और यहाँ देखो वादियों में आप ऐसे झूला झूल रहे हो, कैसा लगेगा भाई, मस्त एकदम मस्त, क्या फीलिंग है। तो अब आपको लेके चलता हूँ वुडन कॉटेज के अंदर में, जिसके अंदर से ही आप झील का मजा ले सकते हैं, लेक का मजा। और लेक व्यू है इसके अंदर में बहुत ही अच्छा, आ जाओ भाई। ये पूरा वुडन का बना हुआ है मस्त वाला, और यहाँ से जो व्यू मिलेंगे भाई साहब वो अल्टीमेट है, मतलब पैसा वसूल। ये देखो ये सीधा आपके रूम के अंदर से दिखने वाला है, तो ये भी जगह अच्छी है भाई। और यहाँ पे भी अटैच बाथरूम आपको मिल जाता है मस्त, काफ़ी स्पीसियस है भाई ये जगह, ये वाली ये सबसे ज़्यादा स्पीसियस रूम मुझे दिखाया अभी तक, आ दिखाना मैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्वीट टेंट, और जो कि टेंट के अंदर में भी आपको अटैच बाथरूम मिल जाता है यहाँ पे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। ये देखो भाई यहाँ पे आपको ट्रिपल बेड मिल जाता है, ट्रिपल बेडेड मतलब एक स्वीट टेंट है ये, एक सिंगल बेड यहाँ पे है और इस तरफ डबल बेड है, तो ये काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। और पीछे यहाँ पे अटैच बाथरूम भी है। तो दोस्तों आजकल ऑर्गेनिक का बड़ा ट्रेंड है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सामने देखो मेरे नींबू का पेड़ है, और ये सहजन काफ़ी लोग जानते होंगे, ये उसका भी पेड़ है। और यहाँ देखो एक अमरूद का पेड़ है, और कई सारे अमरूद के पेड़ हैं, एक नहीं। और यहाँ पे आलू नीचे लगी हुई, जो खेती आप देख रहे हैं ना वो आलू की खेती है, मतलब कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक आपको मिलने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इससे पहले आपने नहीं खाया होगा ऑर्गेनिक के नाम पे, मार्केट में तो उतना ऑर्गेनिक नहीं मिलता, मगर यहाँ पे आपको देखो आम का भी पेड़ है, तो ये भी देखो फूल आए हुए हैं, तो जल्दी इसमें आम भी आने वाले हैं। तो जो भी यहाँ आता है ना भाई, उसको बहुत ही ऑर्गेनिक खाना खाने को मिलता है, और काफ़ी लोग तो जो रेगुलर आते हैं वो यहाँ से सब्जियाँ भी लेके चले जाते हैं अपने यहाँ पर। बहुत ही नेचुरल प्लेस है, एकदम मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कहाँ आ चुके हैं हम, ये ऐसे वियतनाम वगैरह में और भी कंट्रीज़ में ऐसे देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पे खरगोश भी देखने को मिलने वाले हैं, इतने सारे खरगोश हैं, तो जो कपल्स आते हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं इसके साथ, फोटोशूट वगैरह करवा लेते हैं। तो भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए ऐसे दिल्ली ब्लॉग, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही मज़ेदार नए ब्लॉग में। बाय बाय।